अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर इन गुड ऑफ योर स्पिरिट्स। गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलो स्टूडेंट माइंड्स एंड देम एज वेल। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, दैट इज शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग शिज़ोफ्रेनिया, मैं आपके साथ कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले उसमें हम देख लेते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स क्या होती हैं? डिल्यूजन्स बेसिकली ना, ये फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स होती हैं, ठीक है, जिनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है किसी भी पेशेंट के लिए, डिल्यूजन्स वाले पेशेंट के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर इवन उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस भी है ना, फिर भी उस पेशेंट को यकीन नहीं आ रहा होता, मतलब उसका इतना फिक्स्ड फॉल्स किस्म का बिलीफ होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मतलब ऐसा पेशेंट मोस्टली कंप्लेन करता है कि जैसे उसको कोई पॉइजन दे रहा है, ठीक है, या वो ऐसे कहेगा कि उसको अपनी किसी डेड फादर की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब ऐसा इंसान जो फौत हो चुका है उसकी उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मतलब ऐसी फिक्स्ड फॉल्स बिलीव्स जिसके बारे में आप उस पेशेंट को कोई एविडेंस भी दे देना, उसके बावजूद उसको कोई यकीन उसके ऊपर ना आए, तो इसको हम कहेंगे कि ये डिल्यूजन्स हैं। ठीक है, दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स के आपके पास टू टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स हैं, तो मतलब एक है नॉन बिजारी डिल्यूजन्स एंड देन इज़ बिजारी डिल्यूजन्स। ठीक है, अब जो नॉन बिजारी डिल्यूजन्स हैं ना, वो बेसिकली ऐसी डिल्यूजन्स होती हैं कि उनमें आप थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी सच होने की कोई पॉसिबिलिटी फिर भी निकल आती है कि हाँ, मे बी दैट माइट बी राइट। इफ़ दैट पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग, इफ़ अ डिल्यूजन्स पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ समथिंग, तो आप उसमें से कोई पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि हाँ, मे बी ये सही कह रहा हो। ठीक है, आपको उसकी कोई चीज़ मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल फील हो, जिसकी वजह से आप उसको ट्रू डिक्लेयर कर दें। ठीक है, तो ऐसी डिल्यूजन्स होती हैं नॉन बिजारी डिल्यूजन्स। ठीक है, मतलब अगर आपको पेशेंट कहे कि उसको कोई पॉइजन दे रहा है, ओके, आप कह सकते हैं अच्छा, माइट बी राइट कि वाकई उसको कोई दे रहा है, मतलब कोई उसे नफरत कर रहा है जिसकी वजह से कोई उसको पॉइजन दे रहा है। ठीक है, तो आप उसको किसी हद तक आपको वो चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, दीज आर नॉन बिजारी डिल्यूजन्स। ठीक है, जो बिजारी डिल्यूजन्स है वो कौन सी होती हैं कि मतलब दे आर क्लियरली इम्प्लॉजिबल। ठीक है, उनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं निकलती कि वो सही साबित हों। ठीक है, और ना ही वो मतलब सुनने में आपको सही लग रहा होता है, ना उसके ऊपर यकीन आ रहा होता है। ठीक है, मतलब दे आर नॉट अंडरस्टैंडेबल एंड ना ही उनकी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू साबित हो सके। ठीक है, दीज आर बिजारी डिल्यूजन्स। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई पेशेंट कहे कि मुझे अपने डेड फादर की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब ऐसे इंसान जो फौत हो चुके हैं, ठीक है, हिज फादर हैज़ पास्ड अवे एंड उसके बावजूद उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, आपकी भी समझ में नहीं आ रही, तो ऐसी डिल्यूजन्स जो हैं, दीज आर बिजारी डिल्यूजन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना डिल्यूजन्स को आप फर्दर करैक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। ठीक है, अब डिल्यूजन्स को इस तरह से आप कंटेंट के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे इन डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी, पैरानॉइड डिल्यूजन्स, निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स एंड इरोटोमैनिक डिल्यूजन्स। ठीक है, तो ये कुछ डिल्यूजन्स के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिल्यूजन कॉन्टेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसको एक रेंडम या उसका एक न्यूट्रल बिलीफ है, ठीक है, किसी भी बात पे, लेकिन उसमें वो कहता है कि कोई भी उसका जो रेंडम या न्यूट्रल इवेंट वो सुन रहा है या देख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी वो कहता है कि नहीं, इसमें ना उस इंडिविजुअल ने अपनी कोई ज़रूर कोई ऐसी बात कहना चाह रहा है वो इंसान। ठीक है, बहुत ही घुमा फिरा के, ये बिल्कुल रैंडम या न्यूट्रल इवेंट उस इंसान को नहीं लग रहा होगा, ठीक है, जिसको डिल्यूजन्स होंगी। ठीक है, मतलब उसको एक रैंडम और न्यूट्रल इवेंट जो बिल्कुल नॉर्मल वे में स्मूथली चल रहा है, उसमें भी उसको कोई ना कोई ख़राबी नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो पेशेंट्स डिल्यूजन्स वाला होगा, ठीक है, उसको लग रहा होगा कि वो इवेंट भी ना उसके पीछे कोई राज है या कोई बात है। ठीक है, मतलब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि ऐसा पेशेंट जो है ना, अगर न्यूज़ चैनल पे एक सर्टेन न्यूज़ चल रही है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि उस न्यूज़ में जो वर्ड्स है ना, दे आर मेंट टू डिलीवर अ स्पेशल मैसेज। ठीक है, उसको लग रहा होगा कि वो जो न्यूज़ है वो स्पेसिफिकली उसको कोई स्पेसिफिक मैसेज देने के लिए वो न्यूज़ जो है न्यूज़ चैनल पे चल रही है। ठीक है, तो दिस इज़ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई है। ठीक है, देन इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, इसमें जो पेशेंट है, ही बिलीव्स दैट ही इज़ वेरी स्पेशल। ठीक है, उसके पास कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट पावर्स हैं, ठीक है, जो उसको दूसरों से सुपीरियर बना सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है पैरानॉइड डिल्यूजन्स। व्हाट आर पैरानॉइड डिल्यूजन्स? पैरानॉइड डिल्यूजन्स बेसिकली वो बिलीव्स हैं
जिससे पेशेंट को लगे कि उसको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या उसको कोई परसिक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और मे बी सम स्पेसिफिक पर्सन इज़ ट्राइंग टू हार्म हिम या अ ग्रुप ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू हार्म हिम, दैट माइट मीन एनी वे, ठीक है, मतलब इट द परसिक्यूशन माइट बी इन द टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, या एनी पोलिटिकल डिसबिलीव्स देयर माइट बी, और एनी सेक्शुअल ओरिएंटेशन, मतलब किसी भी किस्म से उस पेशेंट को ऐसा लगेगा, पैरानॉइड डिल्यूजन्स वाले पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मे बी अ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू हार्म हिम और ग्रुप ऑफ पीपल इज ट्राइंग टू डू दिस थिंग, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट बिलीफ है निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स, ठीक है। अब निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स बेसिकली बिजारी बिलीफ्स हैं, ठीक है, मतलब इनमें इनका ट्रू होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती और ना ही ये अंडरस्टैंडेबल होती हैं, ठीक है। अब इसमें इस तरह के बिलीफ्स हैं लाइक एक इंसान जो फौत हो चुका है या फौत होने वाला है या एग्जिस्ट ही नहीं करता, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे बिलीफ्स कहना कि मतलब ऐसे इंसान की जो फौत हो चुका है उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स, ठीक है, जो कि बिजारी डिल्यूजन्स की आप कह लें एक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इरोटोमैनिक डिल्यूजन्स, ठीक है। इरोटोमैनिक डिल्यूजन्स में आपके पास इरोनियस बिलीफ्स होती हैं, मतलब रॉन्ग इनकरेक्ट किस्म की बिलीफ्स होती हैं, ठीक है, दैट द पेशेंट हैज़ अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है। इस किस्म की गलत बिलीफ्स होना कि किसी पेशेंट की स्पेसिफिक रिलेशन स्पेशल रिलेशनशिप है किसी और इंसान के साथ, उसको आप कहेंगे कि दिस इज़ इरोटोमैनिक डिल्यूजन्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग और इनकरेक्ट किस्म की बिलीफ्स होती हैं, ठीक है। सो ये था अबाउट डिल्यूजन्स, ठीक है, उसकी मैंने आपको टाइप्स बता दी, नॉन बिजारी एंड बिजारी। फिर मैंने आपको उसके डिल्यूजन कंटेंट के बेस पे जो जिस तरह से आप उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वो भी सारा बता दिया। अब मैं आपको हेलुसिनेशंस के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। हेलुसिनेशंस क्या हैं? ये बेसिकली सेंसरी प्रोसेस की परसेप्शन है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट कहता है कि उसको कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है, मतलब उसको कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन उसका कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कहीं भी आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब आपको वो चीज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही, ना आपको उसका कोई एक्सटर्नल सोर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो पेशेंट जिसको हेलुसिनेशंस होंगी उसको प्रॉपर परसीव होंगी वो सेंसरी स्टिमुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटरी सेंसेशंस, ठीक है, ऑडिटरी सेंसेशंस उनको फील होंगी, मतलब उसको आवाज़ें सुनाई देंगी, हालांकि उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं मौजूद जहाँ से कोई आवाज़ें निकलती हों और फिर आपको भी सुनाई दें और फिर उसको भी सुनाई दें। सो दीज आर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो स्पेसिफिकली उस इंसान को परसीव हो रही होती हैं, ठीक है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी जो उस इंसान को तो नज़र आएंगी लेकिन आपको नज़र नहीं आ सकती, ठीक है, नॉर्मल इंसान को नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। इसी तरह सोमैटिक होती हैं जिसमें फीलिंग्स ऑफ बीइंग टच्ड या सेक्सुअल इंटरकोर्स या इवन पेन की आपके पास जो है वो परसेप्शंस होती हैं, दीज आर सोमैटिक हेलुसिनेशंस। देन ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस है, किसी को अजीब किस्म की स्मेल सुनाई सुंघाई दे रही है या जो भी आप कह लें लेकिन आपको वो नहीं जो है वो फील हो रही। इसी तरह गस्टेटरी हेलुसिनेशंस हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये हेलुसिनेशंस वाली चीज़ भी क्लियर होगी है। देन आपके पास नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बिहेवियर और थिंकिंग में जो है ये मोस्टली आपको शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में नज़र आता है, मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्टली सीन इन शिज़ोफ्रेनियाज पेशेंट्स, ठीक है, जिनके अंदर बिहेवियर और थिंकिंग में डिसऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास अच्छा मैं अब आपको डिसऑर्गेनाइजेशन के ना डिफरेंट सिम्टम्स बताती हूँ, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये डिसऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में नज़र आता है। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, दैट इज़ शिज़ोफ्रेनिया, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ये डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइजेशन, इन सारे ये सारी चीज़ें आपको शिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट पर नजर आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिसऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बिहेवियर थिंकिंग में नज़र आती है इन द पेशेंट्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं डिसऑर्गेनाइजेशन की, मतलब पेशेंट माइट हैव एनी टेंजेंशियल स्पीच। अब टेंजेंशियल स्पीच कौन सी होती है? टेंजेंशियल स्पीच बेसिकली अगर आप किसी पेशेंट से एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है, वो पेशेंट उस क्वेश्चन के को आंसर करने के बजाय उससे दूर दूर की चीज़ें आपको आंसर करना शुरू करते हैं जिसका उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्पीच जो है दैट इज टेंजेंशियल स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंशियल स्पीच। सर्कमस्टेंशियल स्पीच बेसिकली वो स्पीच होती है कि मतलब आप किसी
पेशेंट से कुछ पूछें, कोई क्वेश्चन पूछें, और वो पेशेंट जो है ना घुमा फिरा के उसका जवाब दे, ठीक है. ही आंसर्स इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है. तो उसका आंसर किस तरह होगा, राउंड अबाउट मैनर में. सो दिस इज सर्कमस्टेंशियल स्पीच, ठीक है. उसके बाद आ जाती है आपकी डिरेलमेंट, ठीक है. मतलब एक क्वेश्चन आप किसी पेशेंट से पूछें, या अगर आप किसी पेशेंट से कोई बात करते हैं तो वो फ़ौरन से सडनली स्विच करता है फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है. सो दैट इज़ डिरेलमेंट, ठीक है. देन आपके पास नियोलॉजिज्म है. नियोलॉजिज्म क्या है कि इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इडियोसिंक्रेटिक वर्ड्स, ठीक है. मतलब उसमें पेशेंट जो है अपने से नए नए वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. दैट इज़ नियोलॉजिज्म, ठीक है. देन वर्ड सैलेड, मतलब पेशेंट ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलना शुरू कर दे जिसकी कोई सेंस ना बन रही हो, ठीक है. कोई आपके आपको उसकी कोई सेंसिबल मीनिंग ना फील हो रहा हो, मतलब वो रेंडमली जो है ना वो वर्ड्स थ्रो कर रहा है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही. सो दैट इज़ वर्ड सैलेड, ठीक है. सो ये थे डिसऑर्गेनाइजेशन के साइन एंड सिम्टम्स, और ये डिसऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थिंकिंग में नज़र आता है, ठीक है. एंड मोस्टली शिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में नज़र आता है, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो से हम शिजोफ्रेनिया डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है.